और प्रदेश के तीन मंत्री छक्का मारने का दावा कर रहे हैं। इनमें एक हैं पानीपत की सराना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार। मंत्री खुला दरबार लगाते हैं और जनता अपनी फरियाद लेकर आती है। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो मंत्री जी जनता के दरबार में आए हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस सराना से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण पवार, जो मंत्री भी है कैबिनेट, और आपके समर्थक कह रहे हैं जहां जाओ छक्का मारेंगे, क्योंकि पांच बार तो विधायक आप रहे, छक्का मारने का वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं घबराहट तो नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारे मतदाताओं की भावना है। मतदाता कहते हैं क्रिकेट में जो को चौका मारता है तो ताड़ी बजाते हैं, छक्का मारता है तो खड़े होकर ताड़ी मारते हैं, तो इसलिए इनकी भावना है। अब तक विधानसभा से तीन लोग ऐसे गए हैं जो छह बार बनकर विधानसभा में गए छक्का मार के, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी में तीन ऐसे प्रत्याशी हैं, रामविलास शर्मा जी या निवली जी, कृष्ण पवार जी, जो पांच पांच बार बने हैं, तो जनता ने मन बनाया है हम अब की बार छक्का मारेंगे। अभी हमने कई लोगों से बात की आपने के आने से पहले, लोग कह रहे थे विकास तो खूब हुआ है पर ढाना में आसपास पूरे हलके में विकास तो हुआ है, लोग आपकी बात समझ रहे हैं कि लोगों को विकास चाहिए, विकास आपने कराया, तो आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे हैं? तो इसके लिए जनता के आशीर्वाद से ही मैं पांच बार पहले विधानसभा में गया हूँ और अब भी मैंने जनता से, कितनी संख्या में महिलाएं पुरुष और नौजवान साथी हैं, तो इतनी भारी संख्या में इतनी गर्मी में आए हैं, ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और उन्होंने इंश्योर किया है कि आने वाले 21 तारीख को जो चुनाव होगा गांव का, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और कृष्ण कुमार को आशीर्वाद देकर हम यहाँ से भेजेंगे। कांग्रेस और जजपा वाले भी धमाक मचा ले, धमाल अपना, वो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा इस बार इस राणा में। इसके लिए 24 तारीख को उनको पता लग जाएगा वो कहाँ पर खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नंबर वन है, वो दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी पहली दफा 2014 में आई थी, 44 साल की राजनीति पे पहली दफा बीजेपी की सरकार बनी, 5 साल का पूरा टाइम आपके पास भी था सरकार के, सरकार ने जो कुछ किया, आपकी सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने ऐसे काम किए किसी सरकार ने नहीं किए, लोग अब समझे उन चीजों को कि सरकार यही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हम कहें, हम सरकार के नाते कहते हैं, लेकिन मैं अतीत में आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल सरकार में रहने के बाद कोई सरकार जब शहर में या गांव में जाती है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन माननीय मनोहर लाल की सरकार 5 साल में करने के बाद हम पार्लियामेंट के चुनाव में गए, हमने 10 की 10 लोकसभा सीट जीती, 18 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, 15 दिन में 30 लाख लोगों ने आशीर्वाद दिया। अभी किसी प्रकार से 21 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर में 75 का नारा दिया पार का, वो निश्चित तौर से पूरा होगा। और हम जहाँ भी जाते हैं इतना जन समंतर प्यार आशीर्वाद मिलता है। और आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जो बहुत वरिष्ठ साथी हैं, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रविंद्र चमराड़ा, उन्होंने भी आज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो छठी बार जीत का दावा करें, इनके समर्थक जहाँ जाओ नारा लगा रहे कि मंत्री जी इस बार तो छक्का है। अब देखें छक्का के इनके दावे में कितना कुछ दम है, आने वाले समय में पता लगेगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव पर ढाना, इस राना।